सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इंडिया में हाल ही में एलजी ने लॉन्च कर दिया है उसके डब्ल्यू सीरीज का फोन। करीब दो साल के बाद एलजी ने कुछ फोन लॉन्च किया है, वो है एंट्री लेवल के, और इस फोन के स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छे हैं। कुछ तीन फोन उसने लॉन्च किया है, एक है एलजी W10, एक है W30 और W30 प्रो, और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का फ़ोन होगा, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो एंट्री लेवल का है और इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो भी अच्छा है। तो आज हम बात करेंगे W30 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं ये W30 फ़ोन के बारे में फुल स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका प्राइस क्या है और ये फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं होगा। तो चलिए जान लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले को लेकर। इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा 6.26 इंच की HD+ डिस्प्ले, वो भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, मगर ये नॉच आप कस्टमाइज कर सकते हो, क्योंकि इस नॉच को जो दिया गया है वो सॉफ्टवेयर थ्रू है। तो आप अगर कोई U-shaped नॉच पसंद करते हो तो U-shaped नॉच इस्तेमाल कर सकते हो उसमें, अगर कोई V-shaped नॉच पसंद करते हो तो V-shaped ला सकते हो, अगर कोई नॉच पसंद नहीं करते तो वो भी ये फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नॉच उससे हटा भी जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो पहली बार LG की तरफ से आया है, तो इस कारण के लिए LG का एक प्लस पॉइंट है, बहुत से लोग इस फोन को इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या होता है नॉच पसंद नहीं होता है मगर फोन पसंद होता है। तो अगर किसी को नॉच पसंद नहीं होगा तो वो नॉच हटा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फोन में जो डिस्प्ले होगा वो IPS LCD डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले के मामले में बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि LG का डिस्प्ले अच्छा होता है, सैमसंग का डिस्प्ले अच्छा होता है, इसी कारण ये फोन का डिस्प्ले भी आपको अच्छा ही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोसेसर को लेकर। इस फोन में जो प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा वो मिलेगा MediaTek के Helio P22 प्रोसेसर। P22 एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर है, इसका क्लॉक स्पीड है 2 GHz पे, और इसके साथ ग्राफिक जो आएगा वो आएगा पावर वीआर की, और 3GB रैम और 32GB रोम के साथ ये फ़ोन आएगा। तो देखा जाए तो इसका प्रोसेसर ठीक ठाक है और इसका जो रैम रोम वेरिएंट है वो भी ठीक ठाक है। अभी आते हैं इस फोन के कैमरा को लेकर, क्योंकि ये फ़ोन कैमरा के लिए बहुत ही हाईलाइट है, क्योंकि इस फोन में जो कैमरा देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ट्रिपल कैमरा। पीछे जो ट्रिपल कैमरा रहेगा वो रहेगा 12 मेगापिक्सल के, एक 13 मेगापिक्सल के और एक रहेगा 2 मेगापिक्सल के। 12 मेगापिक्सल के जो कैमरा रहेगा वो रहेगा प्राइमरी लेंस, और 13 मेगापिक्सल के जो कैमरा रहेगा वो रहेगा वाइड एंगल के लिए, और 2 मेगापिक्सल के जो कैमरा रहेगा वो रहेगा डेप्थ सेंसर के लिए। यानी कि कैमरा क्वालिटी में बहुत ही अच्छा होने वाला है ये फ़ोन। कैमरा के लिए कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो तो ये फ़ोन आप ले सकते हो। और इस फोन में जो फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा वो मिलेगा 16 मेगापिक्सल के। यानी कि देखा जाए तो इस फोन के, इस LG के हिसाब से ये फ़ोन जो आया है ट्रिपल कैमरा के साथ इस प्राइस रेंज में तो वो बहुत ही अच्छा है। एंट्री लेवल में ट्रिपल कैमरा के साथ ऐसा फ़ोन LG ने पहली बार लॉन्च किया है, और फ़ोन भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इस फोन के जो पीछे ट्रिपल कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, उसके साथ आपको और एक चीज़ भी देखने को मिल जाएगा, वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर, क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस फोन के साथ है, और फेस अनलॉक भी आप इस फोन के साथ कर सकते हो, क्योंकि फेस लॉक भी इस फोन में है। तो देखा जाए तो फिंगरप्रिंट इसका बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, और फेस स्कैनिंग भी फेस लॉक भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। और इस फोन में जो बैटरी मिलेगा वो आपको मिलेगा 4000 mAh की बैटरी, यानी कि बड़े बैटरी बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कैमरा के साथ ये फ़ोन आने वाला है। और इस फोन के प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 9999 रुपये, यानी कि अच्छे प्राइस के साथ ये फ़ोन आने वाला है। बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन है, ये फ़ोन गेमिंग के लिए अच्छा होगा क्या नहीं होगा। तो देखा जाए तो ये फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं है, क्योंकि डेली यूज़ के लिए ये प्रोसेसर ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है MediaTek का Helio P22। P22 डेली यूजर्स के लिए सही है, मगर आप अगर हाई परफॉर्मेंस चाहते हो, यानी कि गेमिंग के लिए हाई परफॉर्मेंस चाहते हो, तो उसके हिसाब से ये फ़ोन नहीं है। आप मीडियम सेटिंग में या लो सेटिंग में खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर आप HD में अगर खेलोगे तो उसमें आपको दिक्कत आएगा, फ्रेम ड्रॉप भी आपको देखने को मिल जाएगा, और मोबाइल में भी कुछ हीटिंग इशू भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो अगर आप फोटो लेना पसंद करते हो, यानी कि आप मोबाइल के कैमरा पसंद करते हो, खुद के फ़ोटो लेना पसंद करते हो, इधर उधर के फ़ोटो लेना पसंद करते हो, तो आपके लिए ये फ़ोन सही है, मगर अगर कोई गेमिंग के लिए ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन गेमिंग के लिए। दोस्तों, अभी आते हैं इस फोन के सिम स्लॉट को लेकर। इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा,
उसमें आपको एक सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। और जो माइक्रो एसडी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो 256 GB तक कर सकते हो। इसमें आपको आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड पाई अपडेट भी देखने को मिलेगा। 12 वोल्ट ही सपोर्ट करेगा इस फोन में। और सबसे अच्छा इसका लुक बहुत ही अच्छा है। मतलब प्लास्टिक बॉडी है, मगर देखा जाए तो प्लास्टिक आपको देखने को पहली झलक में आप अगर देखोगे आपको उसका प्लास्टिक बॉडी नहीं समझ में आएगा, वो प्लास्टिक बॉडी है या ग्लास बॉडी है। देखने को ग्लास की तरह है मगर वो एक्चुअली प्लास्टिक बॉडी है। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है। गेमिंग के लिए अगर कोई नहीं लेना चाहते, डे टू डे यूज़ करने के लिए चाहते हो तो ये फ़ोन आप ले सकते हो। ये फ़ोन एकदम वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसी फोन प्राइस रेंज में आपको देखने को इन्फिनिक्स के फ़ोन भी मिल जाएगा, आपको रियलमी के फ़ोन भी मिल जाएगा, रेडमी के फ़ोन भी मिल जाएगा, बहुत से कंपनी का है। मगर अगर आप देखना चाहते हो एक अच्छे ब्रांडिंग, तो ये LG है, बहुत ही अच्छे ब्रांड है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है आपको देखने को मिलेगा इसके डिस्प्ले। आज के लिए वीडियो इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।